एक कहानी हर एक भारतीय किसान की है, जो अपनी गरीबी, मजबूरी और दरिद्रता पर ऐसा कदम उठाते हैं। उसी किसान में एक रामू नाम की एक किसान है जिसकी एक कहानी है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बेटा कितना खर्च करोगे पैसा, तुम पे कितने खर्च करोगे पैसा, बीमारी तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। कितना भी पैसा खर्च कर लो, हम तो बचने वाले नहीं। बाबूजी चिंता मत कीजिए, आप दवा लेते रहिए, जल्दी ही ठीक हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। इस बार खेती बाड़ी कैसा हुआ है, फसल सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी ठीक ठाक है सब। मुझे भी खाना है जी। ठीक। अब खा लिए? बहुत भूख लगा हुआ भाई जी, चोट से। वाह मजा आ। किसी को खाने के लिए नहीं है, कोई खाना बर्बाद कर रहा है। सिंधी है। हमारा नेता कैसा हो? राजीव कुमार जैसा हो। कमल छाप जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद। राजीव कुमार जैसा हो। हमारा नेता प्रणाम चाची, वोट दीजिएगा। हमारा नेता कैसा हो? राजीव कुमार जैसा, वोट दीजिएगा। कमल छाप राजीव कुमार जैसा। हमारा नेता कैसा हो? राजीव कुमार नेता कैसा हो? राजीव कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव कुमार जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद। राजी अपनी वोट देल जाओ। बाढ़ से बहुत ग्रस्तित हो गलती ना, जितना किसान लोग हथिन सबके कर्जा माफ हो जाए, सबके घर द्वार पुल पाल जितना हो हर चीज अपनी पूरा हो जाए। विश्वास करूँ हमरा के जिताओ, अपने के पूरा समाज के पूरा गांव पूरा बिहार के एकदम नया बिहार बना दे। प्रणाम। ठीक बा, अपने ही के वोट देवल जाए। ठीक बा, प्रणाम। इलेक्शन से सब पहले आता है, सही बोलता है, लेकिन जीतने के बाद है ना कहाँ जाता है, सब भूलिए जाता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों एवं सज्जनों, आज बड़ी खुशी की बात है। ओह माय गॉड। बहुत जगह बाढ़
और किसानों का बहुत हालत गंभीर देखते हुए आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर मेरी सरकार बनती है तो आप जितने भी किसान हैं उन लोगों को कर्ज माफ किया जाएगा, उसके बाद में हर एक गांव मोहल्ले सड़क में कच्ची सड़क है उस सड़क को कच्ची सड़क से पक्की सड़क बना दिया जाएगा और हर एक वार्ड में एक एक वार्ड सदस्य बनेंगे, उसके माध्यम से आप लोगों को राशन पानी एकदम भरपाई दी जाएगी। आप लोग हमें आप लोगों से अनुरोध है कि आप मुझे वोट दीजिए। आप लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कुछ पैसा उधार लेते हैं सेठ से आगे का फिर काम धाम बढ़ेगा, खेती करेंगे, फसल अच्छा होगा तो फिर सेठ के पैसा सधा देंगे। चलते हैं, थोड़ा पैसा मांगते हैं सेठ से, क्या बोलता है सेठ? सर जी प्रणाम, खुश रहिए। सर जी कुछ रुपया मिल जाता तो बड़ा आपका मेहरबानी होता, कुछ खेती बाड़ी करना था, बीज खरीदना था, खाद खरीदना था, पैसा दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। एक तो आप पहले ले गए हैं और पहले वाला आप दिए नहीं है और फिर से मांगने आ गए हैं। अरे देखो तो कुछ देर पहले कितना ले गया। रुकिए सर जी, देखते हैं सर जी। 9 तारीख को दूसरा महीना 2019 को ले गया हुआ कर्ज 5,000 रुपया, फिर 2 तारीख को छठा महीना 2019 को ले गया 10,000 रुपया, 7 तारीख को ले गया है अंतवा महीना 2020 को ले गया 20,000 रुपया, अभी तक इसने कर्ज नहीं दिया। अब कैसे होगा, इतना पैसा पहले से तुम ले गए हो फिर आ गए हो मांगने, अभी पहले वाले दिए नहीं हो। सर जी सब पैसा एक एक पाई आपका चुका देंगे, इस बार दे दिए, खेती बाड़ी कर रहे हैं बीज खाद के लिए, इस बार फसल अच्छी होती है तो आपको पूरा का पूरा हम पैसा लौटा देंगे, थोड़ा भी जितना हो उतना ही पैसा हमको दे दीजिए। ठीक है, पैसा हम दे दे रहे हैं लेकिन शुद्ध सहित पैसा वापस कर देना। जी मालिक इतना से ना हो तो 6 रुपया देवल जाए। पूरा 10,000 है भाई जी। हम टॉप किए हैं, हमको आगे वाला कॉलेज में पढ़ना है, उनका एडमिशन करवा देते हैं। पैसा उसे का जुगाड़ करते हैं, होता है तो आपको हम बाहर कॉलेज में भेजते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, चिंता मत कीजिए, कॉलेज में जाएंगे हम, मजे करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। इतना दिन पैसा दिया हुआ हो गया, अपने आप को समझता कि यहाँ जाते हैं मांगने, आज बयान करता है, आज चलो उसको घर से बताते हैं। ऐ विवेक जाओ तो देखो तो घर में है कि नहीं, घर गेट कर टाओ तो। है कोई है? मालिक प्रणाम। मालिक इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं, आप खुद चले आए हैं? इतना दिन पैसे ले गए हो अभी तक तुम दिए क्यों नहीं हो? तू समझता है क्या अपने आपको, इतना दिन पैसा ले जाएगा तो ऐसा ही छोड़ देंगे? अब हमसे बात नहीं होगा, तुम बात करो। तुम इतना दिन से पैसा क्यों नहीं दे रहा है? बार बार तुम्हारे द्वारी पे आएंगे अच्छा है? तुम हमको पैसा कब देगा? बार बार हम आते जाते अच्छा लगता है तुमको, कब दोगे बताओ हमको? मालिक इस बार फसल बर्बाद हो गया बारिश के कारण, जिसके कारण मेरे पास पैसा नहीं हुआ जो हम आपको पैसा चुका पाए। थोड़ी दिन के मोहलत दीजिए, हम आपका एक एक पाई चुका देंगे। तू अपने आपको क्या समझते हो? मालिक कुछ दिन का और मोहलत। ए सामान से बाहर फेंको तो। मालिक कुछ दिन का और मोहलत, जाओ। नहीं नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, बहुत दिन से तुम दिन धरा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हटो हटो ये सामान वामान सब से बाहर फेंकेगा। सब बर्बाद हो गया, फसल भी बर्बाद हो गया। सरकार से वोट लेने से पहले कहता है कि कर्ज माफ कर देंगे लेकिन कोई साथ नहीं देता है जब समय खराब होता है।
ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ और एक और, हाँ एक और बात, हम सब बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इसी कारण करें कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। मेरा कहना है कि इस वीडियो से आप सबको क्या सीख मिलता है, मेरे पॉजिटिव ही आप सबको सीख मिला होगा। देखिए कोई भी चीज़ का ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका सोसाइटी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, लास्ट ऑप्शन सोसाइटी नहीं है। अगर इस साल आपका मतलब जो अनाज है कम हुआ है, चाहे घाटा लग गया बाढ़ के कारण, अगर लॉस हो गया, ऐसा नहीं है कि अपना सोसाइटी करके ही जीवन का त्याग दे, ऐसा नहीं। अगले साल हो सके कहीं 4 गुना हो 5 गुना हो तो उससे भी हो सकता है। इसी कारण आप सब अपने जीवन को स्वच्छ रखें, अच्छे रखें, सोसाइटी मत कीजिए। थैंक यू।